हेलो नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार, प्रवीण मैथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया है, मैं भी बढ़िया हूँ। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को मेरी ओर से और प्रवीण मैथ चैनल की तरफ से। ठीक है, संसार भटकती कश्ती तो गुरु पतवार है, संसार भटकती कश्ती तो गुरु पतवार है, गुरु चरण मिल जाए जिसे वो भाव सागर से पार है। ठीक है, हमारी डेली करेंट अफेयर, सॉरी डेली जीके डोज होती है जो 7 बजे से चलती है पीएम में शाम को। ठीक है, लाइव क्लासेस है, आप लोग लाइव ज़रूर जुड़िए। और स्पीडी का भी हम लोग स्पीडी का भी करेंट अफेयर वन लाइनर, ठीक है, वन लाइनर जल्द ही अपलोड करेंगे। ये लाइव चलेगा, ठीक है, वन लाइनर भी लाइव चलेगा और जीके भी लाइव चलेगा। ओके, चलिए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। हमने क्वेश्चन कर लिया था, वन सेकेंड मैं थोड़ा चेंज कर लूँ पेन। जो बच्चे पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, और जो चैनल को देख रहे हैं लाइक कर दे, और वीडियो में क्या सुधार करनी है क्या नहीं करना है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ठीक है, ये तीन चीज़ें आप लोग कर दीजिए जिससे हमें भी पता चले कि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद नहीं आ रही है तो बताएं कि क्या कमी रह गई है। ओके, ये तीन काम आप लोगों का है। ठीक है, हमने सवाल में ये कर लिया था, रूट अंडर में 12 माइनस रूट अंडर में 12 माइनस रूट अंडर में 12 माइनस, ये अनंत तक चलता रहेगा तो आंसर क्या होगा? तो मैंने बताया था कि 12 को डिवाइड करेंगे 3 × 4, ठीक है, या 4 × 2। अगर माइनस का सिंबल रहेगा तो छोटा वाला आंसर होगा, प्लस का सिंबल रहेगा तो बड़ा वाला आंसर होगा। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, आज उससे आगे के सवाल करेंगे। जैसे कि ये सवाल दिया हुआ है, रूट अंडर में 10 प्लस रूट अंडर में 10 प्लस रूट अंडर में 10 प्लस रूट अंडर में 10, ये इन्फिनाइट है, चलता रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसके लिए एक चीज़ याद रखेंगे, जैसे कि संख्या दिया रहेगा प्लस में, इसमें ये बात है कि इसका गुणनखंड नहीं हो सकता। 5 और 2 हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि 2 3 हो रहा है, 4 3 हो रहा है, या 6 7 हो रहा है कि हम लोग पकड़ ले, क्योंकि एक का डिफरेंट भी होना चाहिए और गुणनखंड बराबर होना चाहिए। तो इसमें तो 3 का डिफरेंट हो जा रहा है, तो ये इस तरीका से नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये प्लस दिया रहेगा रूट अंडर में एक्स प्लस रूट अंडर में एक्स प्लस, ये चलता रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए याद रखेंगे रूट अंडर में 4x, ये 4 है, वन सेकेंड, 4x प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 बटा में 2, और इसका जो होगा एक्स माइनस रूट अंडर में एक्स माइनस रूट अंडर में एक्स माइनस, ये चलता रहेगा अनंत तक। तो इसमें हो जाएगा 4x प्लस 1 माइनस 1 बटा में 2। ठीक है, ओके, अगर ये प्लस रहेगा, सॉरी, अगर ये प्लस रहेगा, प्लस रहेगा तो यहाँ पे प्लस देंगे, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस देंगे। ठीक है, ये अलग है, एक पर रूट नहीं है, केवल 4x प्लस 1 पर रूट है, सॉरी यहाँ पे 1 होगा, 4x प्लस 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे 4x प्लस 1 पर रूट अंडर प्लस 1 बटा में 2, जब माइनस का सिंबल रहेगा
तो 4x प्लस वन माइनस वन बटा में दो, ठीक है। तो यहाँ प्लस का सिंबल है तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस वन पे रूट अंडर प्लस का वन बटा में दो हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान कितना है, 10 है, तो 10 10 में 4 से गुना करेंगे तो 40, 40 एक 41 पे रूट अंडर हो जाएगा प्लस का वन बटा में दो, ठीक है। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, यह ऑप्शन में आपको दिया रहेगा, ठीक है। उसी पर बेस ये वाला क्वेश्चन है, प्लस का सिंबल है तो क्या करेंगे, 4x प्लस वन पे रूट अंडर कर देंगे और प्लस का वन बटा में दो कर देंगे, ठीक है। तो 19 चौक 76 प्लस वन पे रूट अंडर हो जाएगा प्लस का वन बटा में दो, यानी कि ये हमारा 77 पे रूट अंडर प्लस का वन बटा में दो, ठीक है। यह हमारा आंसर होगा, ठीक है। एक सवाल ये भी आता है, इनटू इनटू रहता है, ठीक है, 7 इंटू 7 इंटू रूट अंडर 7 इंटू रूट अंडर 7 इंटू रूट अंडर 7 इंटू रूट अंडर 7, ये इन्फिनाइट तक चलता है, अनंत तक चलता है, तो इसका आंसर 7 ही होता है, ठीक है। ओके, और इसी टाइप का एक और सवाल होता है, जैसे कि उसमें अनंत नहीं दिया रहेगा, जैसे कि आपको एक्स दिया हुआ है, ठीक है, एक्स दिया हुआ है रूट अंडर एक्स रूट अंडर एक्स रूट अंडर एक्स, ठीक है। जितना टाइम दिया रहेगा, एन टाइम दिया हुआ है मान लो, तो यहाँ अभी चार ही, अगले पेज में बताते हैं, ठीक है। यहाँ चार ही टाइप कर लेते हैं, रूट अंडर एक्स रूट अंडर एक्स रूट अंडर एक्स, ठीक है। तो इसका मान निकालना होगा, तो एक्स पे, ठीक है, एक्स पे पावर पावर हो जाएगा 2n-1 बटा में 2n, 2 पे पावर n हो जाएगा, ठीक है। n मतलब कई बार दिया हुआ है, जैसे कि x यहाँ पे 1, 2, 3, 4 चार बार दिया हुआ है, तो 2 का पावर 4 हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा बटा में 2 का पावर 4 हो जाएगा, यानी x बराबर 16-1 यानी कि 15/16 हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक सवाल लिखो, क्वेश्चंस 7 रूट अंडर में 7 ये कितना होगा, ठीक है। तो 7 पे पावर कितना हो जाएगा, 2n-1 बटा में 2 पे पावर n, ठीक है। तो 7 है, पावर कितना है, 4 लेंगे, क्योंकि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट हुआ है, तो 2 पे पावर 4-1 बटा में 2 पे पावर 4, यानी कि 7 पे 2 का पावर 4 16 हो जाएगा, 16 में से 1 गया 15 और नीचे में 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा, 7 पे पावर 15/16 होगा, 7 पे पावर 15/16 होगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बताया था कि सेम आंसर हो जाता है जब रूट अंडर अनंत तक चलता है, तो 7 ही आंसर होगा, ठीक है। इसलिए होता है, जैसे कि 7 रूट अंडर 7 दिया हुआ है, चलता चला जाएगा, तो एक्स मान लेते हैं, ठीक है,
तो 7 इंटू, ठीक है, 7 इंटू x बराबर x हो जाएगा। अगर स्क्वायर करते हैं तो ये 7 x बराबर x स्क्वायर हो जाएगा, तो x से x कट जाएगा, 1 x, तो यानी x बराबर 7 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आते हैं। ठीक है, ओके, ये सवाल है एक ठो। टू होल क्यूब में 4 है, ठीक है, होल क्यूब में 4 है, फिर 2 स्क्वायर रूट में है, फिर होल क्यूब में 4 है, ये चलता चला जा रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? तो इतने को अगर एक्स मान लेते हैं, इतने को एक्स मान लें, रूट 2 इंटू होल क्यू, रूट क्यू अंडर 4 4 बराबर एक्स मान लेते हैं, जैसे कि दो पे रूट अंडर है, 3 क्यू है 4 पे, तो इसको अगर एक्स मान लेते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 3 4 x बराबर एक्स मान लेते हैं। अगर हम लोग इसको स्क्वायर करेंगे तो ये वाला तो स्क्वायर रूट अंडर है, तो ये 2 हो जाएगा, और ये इसी तरह चलता रहेगा 4 वाला, क्योंकि वो क्यूब में है, तो ये एक्स हो जाएगा बराबर में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्यू करेंगे, क्यू करेंगे, ये वाला इतना अंदर में है, ठीक है, ये वाला अंदर में है अभी, अब इसको क्यू करेंगे क्योंकि ये वाला टूटा है, तो अब इसको क्यू करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, इंटू ये होल क्यू है तो क्यू करेंगे तो 4 x ही रहेगा, और यहाँ पे ये x पे पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर को क्यू करेंगे तो पावर पावर गुना होता है। ठीक है, अगर 2 का क्यू है तो 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स से एक्स कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, अच्छा के 32, ठीक है, एक्स पे पावर 5, ओके, तो 2 का 32 को रूट अंडर करेंगे तो 2 का पावर 5 होता है बराबर एक्स पे पावर 5। ठीक है, यानी एक्स बराबर 2 हो जाएगा, यह इस सवाल का आंसर है। अगर 2 को 5 बार गुना करेंगे तो ये हमारा 32 होगा, तो 2 पे पावर 5 ही 32 होता है। ठीक है, ओके, अब आते हैं कुछ नए सवाल। इसमें आपको स्मॉलेस्ट, छोटा, सबसे छोटी संख्या खोजनी होती है, छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है। ठीक है, ठीक है, छोटा, बड़ा, ओके, वन सेकेंड, ठीक है, एक और सवाल होना चाहिए था वो, चलिए नहीं हम लिख देते हैं।
छोटा बड़ा पता लगाए लगाए क्वेश्चन है रूट आठ प्लस रूट थ्री कॉमा रूट नौ प्लस रूट टू कॉमा रूट सेवन प्लस रूट फोर कॉमा रूट सिक्स प्लस रूट सिक्स प्लस रूट पाँच। ठीक है, ये भी इसी लाइन में है। ठीक है, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 24 हो जाएगा, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हो जाएगा, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 कौन सा होगा और छोटा कौन सा होगा, तो मल्टीप्लाई करने से जो छोटा आएगा, ठीक है, छोटा आएगा तो वो छोटा होगा, यानी कि ये वाला अंक छोटा है, रूट नौ प्लस रूट टू, और ये वाला अंक बड़ा है, 30 वाला, ठीक है, 30 वाला बड़ा है, तो रूट, सॉरी गलत जगह पर लिखा गया है, ये यहाँ पे होगा 30 वाला, बड़ा वाला यहाँ पे होगा। ठीक है, 12 ये आया है ना, 6 5 30 यानी कि रूट सिक्स प्लस रूट फाइव 12 है, छोटा कौन है, रूट नौ प्लस रूट दो छोटा है। ठीक है, और सेम कंडीशन में ये प्लस का सिंबल था तो सेम कंडीशन चला था कि जो छोटा जो बड़ा है, जो बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है। ठीक है, लेकिन अगर माइनस का कंडीशन आ जाए, माइनस का कंडीशन आ जाए, यहाँ पर माइनस का कंडीशन है, ठीक है, रूट सेवन माइनस रूट पाँच कॉमा रूट नौ माइनस रूट सात कॉमा रूट पाँच माइनस रूट तीन कॉमा रूट ग्यारह माइनस रूट नौ। ठीक है, तो इसमें छोटा और बड़ा कौन सा होगा, तो इसको आपस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35 हो जाएगा, इसको आपस मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 हो जाएगा, इसको आपस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, और इसको आपस मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 हो जाएगा। तो जो छोटा होगा वो सबसे बड़ी संख्या वाला छोटा होगा, जो बड़ा होगा वो बड़ी संख्या छोटी संख्या वाला बड़ा होगा। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 99 है ये वाला है, तो ये छोटा हो जाएगा, माइनस वाले में ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, वन मिनट, पेन काम नहीं कर रहा है। ओके, वीडियो थोड़ा स्टॉप, दिक्कत हो गया था, पेन अटक रहा था। ठीक है, अब ठीक है, हमने कहा जो प्लस वाला होगा, एक मिनट पेन को छोटा कर लेते हैं, हमने कहा जो यहाँ पे माइनस वाला है तो इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 99 हो जाएगा। तो माइनस के केस में जो होगा, जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा होता है। ठीक है, छोटा कौन सा होगा, रूट ग्यारह माइनस रूट नौ हो जाएगा। बड़ा कौन सा होगा, जो सबसे छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो छोटा कौन सा है, 15 वाला है, यानी कि रूट पाँच माइनस रूट तीन ये 12 हो जाएगा। प्लस के केस में क्या होता था, जो बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है, गुना कर कर देखेंगे। ठीक है, एक सवाल ऐसा आता है, रूट टू कॉमा थ्री, थ्री नहीं है, तीन पर रूट क्यू है, चार पे रूट पावर है, और छः पे रूट छः है। ठीक है, तो दो को एक बटा दो लिख सकते हैं, तीन को एक बटा तीन लिख सकते हैं, चार को एक बटा चार लिख सकते हैं, और छः को एक बटा छः लिख सकते हैं।
पावर में किससे मल्टीप्लाई करें? 6, 4, 3, 2 का एलसीएम 12 होगा, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 6, 3 पे पावर 4, 4 पे पावर 3, 6 पे पावर 2। तो 2 पे पावर 6 है, तो ये हमारा 64 हो जाएगा। वन सेकेंड, ये क्या हो गया, पेन को, पेन दिक्कत कर रहा है, ठीक है। हाँ आ गया, ओके ओके, अब चल रहा है। ठीक है, 2 पे पावर 6 है तो 64 हो जाएगा, 3 पे पावर 4 है तो ये हमारा 81 हो जाएगा, और 4 पे क्यू है तो ये 64 हो जाएगा, और 6 स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी जो स्मॉलेस्ट संख्या पूछा है, अगर छोटा पूछेगा, दोनों ही पूछा है, छोटा पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा, 36 हो जाएगा, तो 6√6 हो जाएगा। बड़ा संख्या पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा, 81 वाला हो जाएगा, जो कि 3√3 है, 3 पे पावर क्यूब है, 3 पे √3 है, सॉरी 3 पे √3 है, ये बड़ा होगा, 6 पे √6 है तो ये छोटा होगा, ठीक है। इसमें देखते हैं, 2 पे पावर 50 है, 250 है, 3 पे पावर 150 है, 5 पे पावर 100 है, और 4 पे पावर 200 है। तो 250, 150, 100 और 200 को काटेंगे 50 से, तो ये 2 पे पावर 5 हो जाएगा, 3 पे पावर 3 हो जाएगा, 5 पे पावर 2 हो जाएगा, और 4 पे पावर 4 हो जाएगा। कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसको काटेंगे 50 से, तो 50 × 250, 50 × 150, 50 × 100, 50 × 200, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? 2 पे पावर 5 है, यानी कि 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 32 आएगा, 3 पे क्यूब है तो ये 27 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 4 का पावर 4 है तो ये 256 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन सा हुआ, सबसे छोटा ये हुआ, छोटा जो होगा वो 5 पे पावर 100 होगा, और बड़ा जो होगा ये 256 वाला बड़ा है, तो 4 पे पावर 200 होगा, ठीक है। अब एक चीज़ ये सवाल में भी आता है, मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। इक्वेशन दिया रहेगा, द्विघात समीकरण, ax² + bx + c दिया रहेगा, तो जब a, ठीक है, जब a पॉजिटिव रहेगा तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे c − b² / 4a, और जब a नेगेटिव रहेगा तो c, ठीक है, जब a पॉजिटिव रहेगा तो ये निकलेगा c − b² / 4a, दोनों फार्मूला सेम है, पर बात ये है कि जब ये पॉजिटिव में है, ठीक है, जब ये पॉजिटिव में रहेगा तो मिनिमम वैल्यू निकलेगा, जब ये नेगेटिव में रहेगा तो मैक्सिमम निकलेगा, ठीक है। मैंने क्या कहा, इक्वेशन दिया रहेगा, a पॉजिटिव में रहेगा तो मिनिमम निकलेगा, और a नेगेटिव में रहेगा तो मैक्सिमम निकलेगा, दोनों ही कंडीशन में c − b² / 4a होगा, c − b² / 4a होगा, ठीक है।
बस पॉजिटिव नेगेटिव ध्यान में रखना, ए पॉजिटिव हुआ तो मिनिमम निकलेगा, ए नेगेटिव हुआ तो मैक्सिमम निकलेगा, दोनों ही कंडीशन में सी माइनस बी स्क्वायर बटा में 4a होगा। ठीक है, यहाँ पे सवाल छूट गया है। ठीक है, ओ सॉरी फॉर दैट, पेन दिक्कत कर रहा है। ओके, अब आते हैं, सवाल हमारा ये है, फाइंड मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालना है 2x² + 3x + 5। ठीक है, तो ए क्या है, ए पॉजिटिव में है, ए पॉजिटिव में है तो मैक्सिमम नहीं निकलेगा, मिनिमम निकलेगा। ठीक है, तो मिनिमम क्या हो जाएगा, मिनिमम क्या हो जाएगा, सी कितना है 5a माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है, बी 3 है तो 3 स्क्वायर बटा में 4a यानी कि 4 × 2 हो जाएगा। ठीक है, 5 माइनस ऊपर में 9 हो जाएगा, नीचे में 8 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 8 × 5 = 40, 40 - 9 / 8 यानी कि ये हमारा 31/8 हो जाएगा। ये हमारा मिनिमम वैल्यू आ गया, इसका मैक्सिमम नहीं निकलेगा। ठीक है, उसी तरह यदि एक्स नेगेटिव होगा, एक्स स्क्वायर नेगेटिव होगा, ठीक है, तो ये माइनस में है, x² + 3x + 50, इक्वेशन इस तरह से बनाना है, एक स्क्वायर रहेगा, एक नॉर्मल एक्स रहेगा, एक अंक रहेगा, ठीक है, सी वाला अंक रहेगा, तो इसका जो निकलेगा ये मैक्सिमम निकलेगा, मिनिमम नहीं निकलेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, सी कितना है 50 है माइनस बी स्क्वायर कितना है 3² बटा में 4 के जगह पर 1 है तो 4a हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 50, सॉरी यहाँ पे a होगा, एक होगा, एक क्योंकि कोई अंक नहीं है तो एक ही लेंगे, माइनस 9/4 यानी कि 50, 200 में से 9 घटाएंगे बटा में 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 191/4। ठीक है, इसको भी देखेंगे, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, इसको भी देखेंगे, ये जो है माइनस का 1 है, ठीक है, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, जब ये 4 होगा तो ये प्लस में चला जाएगा। ठीक है, माइनस है तो प्लस में चला जाएगा। ठीक है, तो 209/4 होगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, a + b = 16, तो ए बी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो इसको बराबर बराबर लेंगे तभी जाकर मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा, अगर इसको 8 लेते हैं और इसको 8 लेते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा। अब देखो a + b = 16 है तो हम अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, अगर मैं 10 मानता हूँ तो ये 6 हो जाएगा, इसको करते हैं तो 60 ही रह जाएगा, अगर मैं 14 मानता हूँ तो ये 2 हो जाएगा, 14 × 2 = 28 हो जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू तभी होगा जब a = b = बराबर हो, मान बराबर हो, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ए बी का मैक्सिमम वैल्यू आएगा। ठीक है, तो a + b = 16 है तो इसको 8 मानेंगे, इसको 8 मानेंगे, तब जाकर हमारा ए बी बराबर होगा 8 × 8। ठीक है, 1 सेकेंड, पेन अटक रहा है। ठीक है, इसको अगले चैप्टर में कर देते हैं। ठीक है, अगले अलजेब्रा की एक और क्लासेस होगी, उसमें हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, हाँ चल, ठीक है, चलो ख़त्म करते हैं, 2 क्वेश्चन और रह गया है, ख़त्म करते हैं। ठीक है, 8 हो जाएगा तो ये हमारा 8 × 8 = 64 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से
उसी तरह से ए, सॉरी यार, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, तो ये हमारा 24 हो रहा है, तो सबका बराबर मान होना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी 6 रखेंगे, इसको 6, इसको 6, इसको 6, तब हमारा ए बी सी डी का मैक्सिमम मान आएगा, ठीक है, मैक्सिमम मान आएगा। तो 6 × 6 × 6 × 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पे पावर 4, ठीक है, यानी 1296 हो जाएगा, ठीक है, ओके। उसी तरह का ये भी सवाल है कि x बराबर कितना रखेंगे, तो 25/3, 25/3, और z बराबर 25/3, सॉरी यहाँ पे 5 होगा। तो x y z का मैक्सिमम मान निकालना है, तो 25 × 25 × 25/3 × 3 × 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे पूरा तो 15/6 225 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, यही सवाल का आंसर आएगा। ओके, ये सवाल आपको होमवर्क में देते हैं, अगले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, ओके बाय। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है, ओके। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।